माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग जब विभागों का बंटवारा हुआ तो उनका आशीर्वाद लेने गए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के गार्जियन होते हैं, मुखिया होते हैं मंत्रिपरिषद के, और उनको मैंने धन्यवाद दिया और इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि आपने जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दी है मैं उसका बखूबी से निर्वहन करूंगा और जितनी मेरी क्षमता है जो मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में सीखा है उसका सदुपयोग पूरी तरह से इनपुट देने का काम करूंगा, उनके विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करूंगा। यही उनसे आशीर्वाद भी लेने गए, उनको धन्यवाद भी देने गए और मार्गदर्शन लेने गए। यही एक थी औपचारिकता थी और ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके पहले आपको एक विभाग मिला हुआ था, दूसरा विभाग मिला, कितनी खुशी है? देखिए पहले भी हमारे पास जब सरकार नई सरकार बनी थी 20 में, जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय हमारे पास दो विभाग था, एक माइनर एरीगेशन था और एक SC ST कल्याण था जिसको आप कहते हैं। तो कालांतर में जब सरकार बदली, महागठबंधन की सरकार आई, राष्ट्रीय जनता दल को होड़ मच गया विभाग लेने का, उसमें हमारा एक विभाग कमा था और SC ST मिला था। आज फिर जब एनडीए की सरकार आई तो दो विभाग मिला, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो भी बात है, जो भी विभाग हो, कोई भी काम होता है, आपको हर जगह काम कर करके प्रूव करना होता है, विश्वास पर खड़े उतरना होता है। और हम समझते हैं कि जनता का जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उस आकांक्षा अपेक्षा को देखते हुए अपने क्षमता के अनुरूप मैं काम करूंगा, जो भी विभाग है उसमें संतुलन बना के काम करने की कोशिश करूंगा। हम के नेता हैं, आपके पिताजी भी हैं, वो थोड़ा नाराजगी जाहिर किया है। उन्होंने गया में एक सभा में बोला है कि मैं जब से हूँ तो अति पिछड़ा समाज कल्याण मंत्रालय मिला, लगातार मिलते गया, क्या हम लोग एक ही विभाग के लिए बने हैं? क्या भवन क्यों नहीं मिल सकता है, पद क्यों नहीं मिल सकता है? एक बार बीच में हमको CM बनाया गया, जब हम अपने काम में लग गए तो फिर हमें हटा दिया गया। अब देखिए उनका एक व्यक्तिगत राय है और उनकी जो बातें हैं हम समझते हैं कि उनसे पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक मैं समझता हूँ उनका कहना था कि कोई भी विभाग हो सब विभाग अच्छा होता है, लेकिन एक विभाग में हमने काम किया है और काम कर करके हमने प्रूफ किया है, उसी विभाग में रह करके मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री जब बने थे तो खुद वो विभाग रखे थे, आपको इस बात को याद रहना चाहिए, क्योंकि जब वो डिलीवर करना था मुख्यमंत्री रह करके तो उस विभाग में उनको भी मन लगता है काम करने के, जहाँ पर आदमी की इच्छा होती है, जहाँ पर कंफर्टेबल हम महसूस करते हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है। उनका कहना था कि हम दूसरे विभाग में अगर मौका मिलता है तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। उनके इस बात को इस तरह से लिया गया कि वो नाराज हैं, वो कुछ और बात बोल रहे हैं, वो इनका ही नहीं कहना था कि हम दूसरे विभाग में उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं जितना अच्छा हम SC ST किए हैं। तो माने चेंज होना चाहिए, उनका ये कहना था। बाकी संरक्षक हैं पार्टी के शुभचिंतक हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं का उनके ऊपर दबाव होता है, उस दबाव में कुछ बातें बोलते हैं और वो तो सीधे बोलने के लिए जाने जाते हैं, उनके आगे पीछे कुछ रहता नहीं है और कुछ छुपा के भी नहीं रखते हैं, तो उनकी बातों को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। और हम समझते हैं कि उनकी जो बात के पीछे जो तथ्य होता है, जो सोच होती है, उसको भी आप लोगों को दिखाना चाहिए, न कि TRP के लिए हम डायरेक्ट कुछ ऐसी बातें चलाने लगे, तो इससे छवि भी जो होती है लोगों के बीच में एक अजीब सा द्वंद हो गया। लोग इस तरह के आप लोग समझने लगे कि हम महागठबंधन हमसे अप्रोच कर रहा है, चाहे हम कहीं पर हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, एनडीए के साथ हैं, एनडीए की विचारधारा के साथ हैं, और आपस में जब हम हैं तो कार्यकर्ता हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, हमसे डिमांड करते हैं, तो बातों को प्रेषित करना है उनका, यही है कि वो मीडिया को ही बोल देते हैं, लेकिन उनकी भावना ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि दो मंत्रालय मंत्री की बात हुई थी, आपने तो ले लिया, दूसरे के लिए क्या है? देखिए वो बात की बात है, वो हम लोग के बीच की बात है, पार्टियों के बीच की बात है, और क्या बातें हो रही है नहीं हो रही है, हम समझते हैं कि ये सब चीजों पर चर्चा सार्वजनिक रूप में नहीं होनी चाहिए। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा जहां होनी चाहिए, उचित माध्यम, उचित मंच जहां पर वहां बात होनी चाहिए, और सब जगह हम लोग वो सब बातों को सबके अंदर कुछ मांग होती है, कुछ इच्छाएं होती है, जनहित का कोई काम होता है, वो सब बात मीडिया में बोलने की नहीं है, जब काम होता है तो हम लोग उसको आपके समक्ष जरूर रखें। अखिलेश सिंह ने बोला था कि हम लोग CM का पोस्ट ऑफर कर रहे हैं, आपको DC का बात करेंगे, वो आ जाए हम लोग के साथ। अखिलेश जी कहाँ हैं, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला बात है, वो खुद मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे हैं, एक तो अपने बुआ से समझौता नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने चले हैं। हमको नहीं लगता है कि ये सब बातें उनको अच्छी लगती है, जहाँ है वहाँ पर देखें ना,
कि लोकसभा में कितना सीटू जीतेंगे। एक कांग्रेस है तो वहां गठबंधन नहीं कर पा रहा, यहाँ कांग्रेस के ही तहसीब बने हुए हैं। तो ये सब बेबुनियाद फिजूल की बातें जिनका कोई रोल नहीं है, वो ऐसे लोग आकर के इस तरह की बात करते हैं। चाहे हमारे ये अखिलेश जी की बात अब कह रहे हैं, ये भी हम हाँ वो अखिलेश जी भी बोल रहे हैं, उनकी उनकी भी मैंने सुना, ये अखिलेश जी है अपने राज्यसभा के लिए परेशान हो रहे हैं कि इनका सीट कहाँ मिलेगा, तो ऑफर कर रहे हैं, अपने विधायक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो अब उनके विधायक हैदराबाद में जा रहे हैं, हैदराबाद में लेके भाग रहे हैं कि कहीं विधायक भाग नहीं जाए। तो जिसके मन में है, जो सुशासन की बात करता है, जो विकास की बात करता है, क्षेत्र में जनता के लिए उत्तरदायी है, जनता ने उनको वोट दिया है, तो विकास की बात करेंगे ना, तो विधायक उनके समझ रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार में रहेंगे तो विकास होगा, मेरा भी काम होगा और हम ज्यादा तेज गति से काम कर सकते हैं। उन लोग सब आना चाहते हैं, इसलिए लेके दौड़ रहे हैं, रिसोर्ट घुमा रहे हैं, हैदराबाद घुमा रहे हैं। तो घुमाने दीजिए, 12 तारीख को तो सबको सामने आना, देख लीजिए कैसे क्रॉस होगा। तो अपने चिंता नहीं, अपने घर की चिंता नहीं है, दूसरे का घर बनाने चले, जिनके घर शीशे का हो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, खुद उनका ठिकाना नहीं, ठौर ठिकाना नहीं, और हमको चले हैं मुख्यमंत्री बनाने। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सब जाल फेंक रहे हैं, शिकारी के तरह जाल फेंक रहे हैं कि दाना फेंक दो, कोई ना कोई फंसेगा। कोई फंसने वाला नहीं है, यहाँ सब अडिग है, सब अटल है और सब एक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।